जी ओम नमस्ते जी। मैं जी मेरे घुटने में दर्द होता है, मैं 12 साल से करती हूँ। अच्छा माँ, इस समय तो 3 महीने से मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाई, एक्सरे किए, कह रहे हैं घिसना है। घुटने घिसने लग रहे हैं? कोई नहीं, आप शुरुआत हो रही है, आप घबराइए मत। जो मैं बताता हूँ ना उसको थोड़ा और ज्यादा सीरियसली कर लीजिए। कपालभाति कितनी देर करती हैं अम्मा? आधा घंटा 20 मिनट तो मतलब करती हूँ, आधा घंटा देरी करती हूँ। सब मिलाकर के खाली कपालभाति? नहीं, कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति अनुलोम विलोम ये दोनों तो आधा आधा घंटा कीजिए आप, और इसके साथ साथ में जो अपना वातारी चूर्ण है ना, वातारी चूर्ण ले लेना, और चंद्रप्रभावटी, योगराज गुगुल एक एक गोली, और शिलाजीत जो ये लिक्विड आता है ना, ये 2 बूंद दूध में डाल करके इस... पहले हमने वो भी खाना पीती था, लेकिन हम नॉर्मल है तो शिलाजीत। हाँ ले सकते, अभी नॉर्मल है तो प्राणायाम से नॉर्मल आ गया है, तो 1 बूंद ले सकते, ज्यादा मत लेना। तो 1 बूंद ये शिलाजीत ले लो और थोड़ा दूध में हल्दी डाल करके पी लो। और जो खास बात है, आप गिलोय का जो काढ़ा है ना, जो मैं बताता हूँ, गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस या गिलोय की गोली भी सुबह शाम खाली पेट खा लेना, तो उससे जो घिसे हुए कार्टिलेज हैं वो भी दोबारा से आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक तो लिक्विड कम हो गया, वो ग्रीस कम हो गया, ऐसा बोलते हैं आम भाषा में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। घिसे हुए कार्टिलेज भी दोबारा से आ जाते हैं। बस आप ये पूरा उपाय करना, और एलोवेरा का जो जूस है और गिलोय है ना, ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल मत छोड़ो। एलोवेरा का जूस, गिलोय, और घर में हो तो कारीदात, हर श्रृंगार की पत्नी, तो पीड़ा तक ले लें, क्योंकि हमने अलग अलग मंजीश्वर आसना ये सब नागर मोथा ये चूर्ण हम बताते हैं, लेकिन ये सब एक ही उसमें आ जाएगा आपको। एलोवेरा, गिलोय और पीड़ा तक पाते, इसका रस सुबह शाम ये साथ में पी लेना, तो आपको 5-6 महीना लगेगा, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा बीमारियों में वक्त लगता है, लेकिन आपका अच्छा हो जाएगा। पीड़ान तक ऑइंटमेंट या पीड़ान तक तेल, उसकी थोड़ी हल्के हाथ से मालिश भी करते रहना, तुरंत आपको राहत मिल जाएगी, और धीरे धीरे करके आपकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर्स तो बोल देते हैं कि अब इस उम्र में तो ऑपरेशन करना, मैं कहता हूँ 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हो, 99% आप एलोपैथी की खतरनाक बीमारियों से बच सकते हो, 99% अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हो। बाकी किसी किसी की बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उसको आप कंट्रोल तो कर ही सकते हो, वह भी प्राकृतिक तरीके से।